हेलो दोस्तों, आपका स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग नल और टंकी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। नल और टंकी का अभी तक हमने पार्ट वन कंप्लीट किया है और आज की क्लास में इसका पार्ट सेकंड आपके सामने लेकर आया हूं। तो जल्दी से पेन और कॉपी निकाल कर बैठ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत मजा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज। नल और टंकी के किस किस वेराइटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है, कि ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ध्यान दें सभी लोग, दोनों नलों को भर सकते, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भरें, जबकि टंकी का 1/3 भाग भर जाता है, जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है, जिससे दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है, तो बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान दें, दो नल हैं आपके पास, ए और बी। पहला नल ए है, दूसरा नल बी है। ए जो है टंकी को 20 घंटे में भर रहा है और बी जो है टंकी को 30 घंटे में भर रहा है। तो 20 और 30 का एलसीएम मेरे भाई कितना हो जाएगा, 60। तो 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, इतना तो आप कर ही लेते हैं। अब अगर टंकी का 1/3 भाग भर गया तो टंकी के अंदर कितना पानी आ रहा है, टंकी के अंदर 60 पानी आ रहा है, तो इसका 1/3 भाग तो भर ही गया। तो 60 का जब 1/3 भाग भर गया तो 60 का 1/3 भाग कितना होगा, 20। मतलब टंकी के अंदर 20 पानी भर गया तो टंकी के अंदर 20 पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो दोनों नल 1 घंटे में 5 पानी भरते हैं तो 20 पानी भरने में 4 घंटे का समय लगेगा। मतलब 4 घंटे में ये 20 पानी तो भर गया, 1/3 भाग तो भर गया है, तो बचा कितना है, 40 में से 20 पानी भर गया, तो 60 में से 20 पानी भर गया, तो 40 पानी अभी भरने को बचा हुआ है, इतना पानी अभी मुझे भरना है, ठीक है। अब कह रहा है टंकी की तली में एक छेद हो जाता है, जिससे दोनों नल जितना पानी भर रहे हैं उसका 1/3 पानी निकल जाता है। तो आप बताइए, अगर 1/3 पानी दोनों नल जितना पानी भर रहे हैं, दोनों नल कितना पानी भर रहे हैं, 3 और 2 5, दोनों नल 5 पानी भर रहे हैं, इसका 1/3 पानी तो निकल जाता है। तो अगर बताइए, दोनों नल मिलकर 5 पानी अंदर डालते होंगे टंकी के अंदर, पर उसमें से 1/3 पानी बाहर निकल जाता होगा, तो बचता कितना होगा। तो आपको पता है 1/3 निकलने का मतलब है 3 में से 1 तो निकल गया बाहर, तो बचा कितना, 3 में से 1 गया, तो सर 2/3 पानी टंकी के अंदर बचेगा, किसका, 5 का। तो 5 का 2/3 कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10/3 पानी टंकी के अंदर जाता है। अब दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं 1 घंटे में 20/3 पानी टंकी के अंदर जा रहा है और टंकी को भरना कितना है, 40। तो 1 घंटे में 20/3 पानी भरा जाएगा, तो 40 पानी भरने में 10/3 का भाग देंगे, 4 × 12 घंटे का समय लगेगा। तो आप बताइए टंकी भरने में कितना समय लगा, तो 12 घंटा यहाँ पे लगा है, 4 घंटा यहाँ पे, तो 12 और 4 कितना आंसर आ जाएगा, 16 घंटा। कितना आंसर आ गया मेरे भाई, 16 घंटा, ठीक है, कर पाएंगे, 16 घंटा हमारा आंसर आ गया है, जो कि एकदम राइट आंसर है। इतने में किसी को समस्या, 16 घंटा आंसर निकालने में किसी को परेशानी आई तो बताइए मुझे। आप देखेंगे टंकी का 1/3 पानी, 60 का 1/3, 20 पानी भरने में दोनों नलों को 4 घंटे का समय लगा है, 60 में से 20 पानी भर गया तो 40 पानी बचा है। अब कह रहा है टंकी की तली में छेद हो गया, जिसके कारण दोनों नल जितना पानी भर रहे हैं उसका 1/3 पानी बाहर निकल जाता है। तो आप बताइए दोनों नल कितना पानी भर रहे हैं, दोनों नल 3 और 2 5 पानी भर रहे हैं, 5 का 1/3 पानी अगर बाहर जाएगा तो अंदर कितना आएगा, 3 में से 1 निकल गया, 2/3, 10/3 पानी अंदर जा रहा है, तो 40 पानी भरने में 12 घंटे का समय लगेगा, तो 12 और 4 16 घंटे हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए, ए और बी किसी टंकी को 15 और 20 घंटे भर सकते हैं, दोनों नलों को एक साथ खोला गया, जब टंकी का 1/4 भाग भर गया तो टंकी में छिद्र हो गया, जिससे दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 पानी निकल रहा है, टंकी भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके सॉल्व करेंगे, ध्यान दें सभी लोग। पहला नल ए है, दूसरा नल बी है। पहला वाला जो नल है वो टंकी को 15 घंटे में भर रहा है और दूसरा वाला जो नल है वो 20 घंटे में भर रहा है। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 60। माना कि टंकी के अंदर 60 काम है, तो 15 चौक 60, 20 दिया 60 आ गया, ठीक है।
अब कह रहे टंकी का एक बटा चार भाग भर जाता है, टंकी का एक बटा चार भाग कितना होगा, टंकी के अंदर टोटल पानी कितना है 60, इसका एक बटा चार, 60 का एक बटा चार मेरे भाई आ जाएगा 15, तो टंकी का 15 भाग भर गया, तो 15 भरने में कितना समय लगाएगा, दोनों नल जो है एक घंटे में चार और तीन सात काम कर रहे हैं, एक घंटे में सात काम कर रहे हैं, तो 15 काम करने में 15 बटा सात, सात दूनी 14, दो से एक बटा सात घंटे का समय तो यहाँ लगाया, 15 काम 15 टंकी भरने में इतना समय लगाया, दो से एक बटा सात घंटा, तो बचा पानी कितना है, तो 60 में से 15 भर गया, तो 60 में से 15 चला जाएगा, तो 45 पानी अभी आपका बचा हुआ है, 45 पानी अभी आपका बचा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ है, टंकी की तली में छिद्र हो गया, जिसके कारण दोनों नल जितना पानी भर रहे हैं उसका एक बटा पाँच पानी बाहर निकल जाता है, दोनों नल कितना पानी भर रहे हैं, चार और तीन सात, इस सात का एक बटा पाँच पानी तो बाहर ही निकल जाता है, तो अंदर कितना जाएगा, पाँच में से एक पानी तो बाहर निकल गया, तो पाँच में से एक निकल गया, तो बचा कितना, चार बटा पाँच पानी अंदर जाएगा, तो सात का चार बटा पाँच कितना आएगा, सात चौक 28 बटा पाँच, इतना पानी अब अंदर जा रहा है एक घंटे में, अगर एक घंटे में इतना पानी जा रहा है और भरना 45 पानी, तो कितना समय लगेगा, 45 में 28 बटा 5 का भाग दे दीजिए, तो 5 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, 45 पंजे कितना हो जाएगा 225, 225 बटा 28 घंटा तो यहाँ लगा है, और यहाँ कितना लगा है 15 बटा 7 घंटा, तो टोटल समय कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेके जोड़ लीजिए, 225 बटा 28 प्लस 15 बटा 7, तो आप देखेंगे एलसीएम लेके जोड़िए, एलसीएम कितना आ जाएगा 28, ये तो 225 ही आ गया, यहाँ देखेंगे 7 चौक 28, 15 चौक 60, तो आ जाएगा 285 बटा 28, 28 का भाग 28 से कम 28 10 सही 5 बटा 28 घंटा, इतना समय लगेगा आप देख लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर भी पूछा जा चुका है, सीजीएल टीयर वन के अंदर भी पूछा जा चुका है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही था बस, सारे का सारे कैलकुलेशन यहाँ पर फ्रैक्शन में चला गया है, 28 बटा 5 का भाग 45 में देंगे तो इतना घंटा आ गया, तो यहाँ इतना घंटा लगा है, यहाँ पर इतना घंटा लगा है, दोनों को जोड़ दिया है, दोनों को जोड़कर जो आया है वही हमारा फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए, दो नल ए और बी एक टंकी को 24 और 48 घंटे में भर सकते हैं, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और टंकी में छिद्र होने के कारण टंकी भरने में चार घंटे का अधिक समय लगता है, छिद्र के लिए टंकी को कितने समय में खाली करेगा, ध्यान दीजिएगा, एक नल आपका ए है और एक नल आपका बी है, पहला वाला नल जो है टंकी को 24 घंटे में भर रहा है और दूसरा वाला जो नल है टंकी को 48 घंटे में भर रहा है, तो 24 और 48 के एलसीएम 48 आ जाएगा, तो 24 दूनी 48, 48 से कम 48, पहले तो आपने ये कर लिया। अब कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया और टंकी में छिद्र होने के कारण टंकी भरने में चार घंटा अधिक लग रहा है, अगर मैं बोलता कि दोनों नलों को आपने एक साथ खोल दिया और टंकी के अंदर छिद्र नहीं है, अगर टंकी के अंदर छिद्र नहीं है तो ये दोनों नल मिलकर टंकी को कितने घंटे भर देंगे, तो आप देखेंगे दोनों नल मिलकर एक घंटे में कितना पानी भर रहे हैं, तीन, तो 48 पानी भरने में, एक घंटे में तीन पानी भरेंगे तो 48 पानी भरने में 16 घंटे का समय लगाएंगे, अगर टंकी के अंदर छिद्र नहीं है तो ये दोनों नल मिलकर 16 घंटे में टंकी को भर लेंगे, कितने घंटे भर लेंगे, 16 घंटे में, 16 घंटे में टंकी भर जाएगी, ठीक है, 16 घंटे में टंकी भर जाएगी, अगर टंकी के अंदर छिद्र नहीं हुआ तो टंकी 16 घंटे में भर जाएगी, कह रहे पर टंकी में छिद्र होने के कारण टंकी भरने में 4 घंटे अधिक समय लगेगा, तो 4 घंटे अधिक लगेगा, 16 और 4 कितने घंटे का समय लगेगा, 20 घंटे का टंकी भरने में समय लगना चाहिए, है ना, अगर छिद्र नहीं है तो 16 घंटे में भर गई, पर कह रहे छिद्र है तो 4 घंटे ज़्यादा समय लगा है, तो 16 और 4 20 घंटे का समय लगा है, तो छिद्र अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, आपसे बोला गया है। अब आप देखिए, अगर ध्यान दीजिए, बहुत एक ही लाइन का क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपकी समझ में आ गया तो यहाँ से एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, नहीं समझ में आए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ध्यान दें सभी लोग, अगर टंकी में छिद्र नहीं है तो टंकी हमारी 16 घंटे में भर रही है, पर टंकी में छिद्र है जिसके कारण इन्हें 4 घंटे और ज़्यादा काम करना पड़ा है टंकी को भरने में, 4 घंटे और समय लगाया तो टंकी 20 घंटे में भर गई है, मतलब इन नलों को 4 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ा है, 4 घंटे में दो नल कितना काम करते हैं, एक घंटे में दो और एक तीन, एक घंटे में तीन काम करते हैं, 4 घंटे में 12 काम, मतलब इन नलों को 12 काम
और ज्यादा करना पड़ गया है, इन नलों को 12 काम ज्यादा करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि इतना नाल इतना काम छिद्र ने खराब कर दिया होगा। भाई टंकी भरने में 4 घंटे ज्यादा समय लगाए, मतलब इन नलों ने 4 घंटे ज्यादा काम किया है, और ये नल 1 घंटे में 3 काम करते हैं, 4 घंटे में 12 काम करेंगे, मतलब इन नलों को 12 काम ज्यादा करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि इतना काम छिद्र ने बिगाड़ दिया होगा, और छिद्र जो है 12 काम बिगाड़ रहा है, और छिद्र को ये 12 काम बिगाड़ने में कितना समय लग रहा होगा? तो टंकी जो है 20 घंटे में अगर भरी गई है तो छिद्र भी 20 घंटे तक खुला रहा होगा। अगर टंकी 20 घंटे में भरी गई है तो छिद्र भी 20 घंटे तक खुला रहा होगा, और छिद्र अगर 20 घंटे तक खुला रहा है तो उसने ये 12 काम बिगाड़ दिया होगा, और यही 12 काम इन्होंने 4 घंटे में किया है। तो इसका मतलब छिद्र क्या कर रहा है? छिद्र जो है 20 घंटे में 12 काम बिगाड़ देता है, छिद्र जो है 20 घंटे में 12 काम बिगाड़ देता है, तो पूरी टंकी को बिगाड़ने में, खाली करने में कितना समय लगाएगा? तो पूरी टंकी में कितना काम है? 48। तो बताइए 20 घंटे में 12 काम बिगाड़े तो 48, तो 12 में अगर 4 का गुणा करेंगे 12 चौक 48, यहाँ 4 का गुणा करेंगे 20 चौक 80, मतलब 80 घंटे में 48 करेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 80 घंटा। लिख दीजिए 80 घंटा। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान दें सभी लोग, सबकी समझ में आया कि नहीं आया? बताइए भाई, छिद्र नहीं है तो 16 घंटे में टंकी भर रही है, बस छिद्र होने के कारण 4 घंटा ज्यादा समय लगा है, टंकी 20 घंटे में भर रही है। अगर टंकी 20 घंटे में भर रही है तो छिद्र भी 20 घंटे तक खुला रहा होगा, और छिद्र 20 घंटे तक खुला रहा है इसके कारण इन्हें 4 घंटे ज्यादा काम करना पड़ा गया। क्यों? क्योंकि छिद्र ने इतना काम बिगाड़ दिया होगा। तो 1 घंटे में 3 काम करते हैं, 4 घंटे में 12 काम इन्होंने ज्यादा किया, इसका मतलब छिद्र ने 12 काम बिगाड़ा होगा 20 घंटे में। अगर छिद्र 20 घंटे में 12 काम बिगाड़ रहे हैं तो पूरी टंकी में 48, तो 12 चौक 48 20 चौक 80 80 घंटे का समय लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, सेम क्वेश्चन है। दो नल ए और बी एक टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ध्यान दें, ए जो है टंकी को 20 घंटे में भर रहा है, और बी जो है 30 घंटे भर रहा है। 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई? 60। 20 दिया 60, 30 दूनी 60 आ गया। ठीक है, अब बोला गया दोनों नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, अगर आप दोनों नलों को एक साथ खोल देंगे तो टंकी 1 घंटे में 5 पानी भरेगा, तो 60 पानी भरने में 12 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटे में 5 पानी भरा जाएगा तो 60 पानी भरने में 12 घंटे का समय लगेगा। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, लेकिन टंकी में छिद्र होने की वजह से टंकी भरने में 6 घंटे अधिक समय लगता है। अगर टंकी में छिद्र नहीं होता तो 12 घंटे में टंकी भर जाती, पर छिद्र होने की वजह से 6 घंटे अधिक समय लगा है, और 6 घंटे अधिक समय लगा है इसका, तो छिद्र होने की वजह 6 घंटे अधिक समय लगा है इसका, तो टंकी कितने घंटे भरी गई? 18 घंटे में टंकी भरी गई है। और अगर टंकी 18 घंटे में भरी गई है तो छिद्र भी 18 घंटे तक काम किया होगा, और छिद्र 18 घंटे तक काम करने के कारण इन नलों को 6 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ गया। अगर छिद्र नहीं होता तो 12 घंटे में काम खत्म हो जाता, पर छिद्र होने की वजह 6 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ा है, और 6 घंटे में 1 घंटे में 3 और 2 5 काम, 1 घंटे में अगर ये 5 काम करते हैं 6 घंटे में 30 काम इन्होंने ज़्यादा किया है। क्यों? क्योंकि इतना काम छिद्र ने बिगाड़ दिया होगा। तो छिद्र जो है 30 काम बिगाड़ने में कितना समय लगा रहा? 18 घंटा। तो 18 घंटे का समय लगा रहा है छिद्र 30 काम बिगाड़ने में, तो मुझे कितना काम करवाना है? 60। तो 60 बनाने के लिए यहां पर 2 का गुणा करें तो आप देखें 36 घंटे में 60 काम हो गया है। तो आप देखिए 60 काम बिगाड़ने में 36 घंटे का समय लगेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 36 आवर्स। बताइए समझ पाए आप सभी लोग? कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन को पढ़ें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भर सकता है, गर्म पानी का नल 15 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया और उस समय वापस आया, टब को भर जाना चाहिए था,
और उसने देखा एक निकासी नल गलती से खुला रह गया था और अब उसने क्या इसे बंद कर दिया और अब 4 मिनट के बाद टब भर गया। तो ज्ञात करिए निकासी वाला नल टब को कितनी देर में खाली करेगा। ध्यान दें, दिखने में भले इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है पर सॉल्व करने में उतना ही आ जाता आसान है। एक ठंडे पानी का नल है, एक गर्म पानी का, तो एक नल को ए मान लेता हूँ, एक नल को बी मान लेता हूँ। पहला वाला जो नल है वो 10 मिनट में टंकी को भर देता है और दूसरा वाला जो नल है वो 15 मिनट में टंकी को भर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले 10 और 15 से कटने वाला नंबर 30, तो 10 दिया 30, 15 दूनी 30 आ गया। ठीक है, अब एक आदमी क्या करता है, दोनों नलों को खोलकर बाहर चला गया और उस समय वापस आया होगा जब टब भर जाना चाहिए। तो टब कब भर जाना चाहिए बताइए जरा। तो आप देखेंगे टब भरने का समय, टब जो है दोनों नल मिलकर 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं, 5, तो 30 काम करने में 6 मिनट, मतलब 6 मिनट में टब को भर जाना चाहिए। तो इसका मतलब वो कब आया होगा, 6 मिनट बाद आया होगा। भाई दोनों नलों को खोल के चला गया है तो दोनों नलों को अगर खोल के जाएगा तो टब जो है 6 मिनट में भर जाएगा, मतलब वो 6 मिनट के बाद वापस आया और उसने देखा अभी एक निकासी नल गलती से खुला रह गया, निकासी नल गलती से खुला रह गया और अब उसने क्या किया इसे बंद कर दिया। इसका मतलब निकासी नल उसने कब बंद कर दिया होगा, तो उसने निकासी नल 6 मिनट के बाद बंद कर दिया। भाई 6 मिनट में टंकी भर जानी चाहिए तो वो 6 मिनट बाद वापस आया होगा। उसने देखा टंकी में एक निकासी नल खुला रह गया है, इसके कारण टंकी भरी नहीं गई, तो उसने तुरंत क्या किया उस नल को बंद कर दिया। इसका मतलब जो निकासी नल है या ऐसे छिद्र भी बोल सकते हैं, ये छिद्र जो है कितने मिनट तक खुला रहा होगा, 6 मिनट तक। 6 मिनट के बाद उसने छिद्र को बंद कर दिया और उसके 4 मिनट के बाद अब टंकी भरी है, मतलब उसके बाद 4 मिनट का समय और लगाया टंकी को भरने में, तो 4 मिनट इन नलों ने और काम किया। तो 4 मिनट कितना काम करते हैं ये, तो 1 मिनट में 3 और 2 5 काम करेंगे, तो 4 मिनट 5 4 20 काम करेंगे, मतलब इन्होंने 20 काम और किया है, इन्होंने 20 काम और किया है। क्यों, क्योंकि ये 20 काम इस निकासी नल ने कम कर दिया होगा, है ना। और निकासी नल कितने मिनट खुला रहा है, 6 मिनट तक, तो निकासी नल 6 मिनट तक खुला रहा है, तो 6 मिनट में उसने ये 20 काम कम कर दिया होगा। तो आप बताइए 20 काम कम करने में 6 मिनट का समय लगा रहा है, 20 काम कम करने में निकासी नल 6 मिनट का समय लगा रहा है, तो हमें कितना काम कम कराना है, टंकी में कितना काम है, 30, तो 30 काम कम करने में कितना समय लगाएगा। तो आप देखेंगे 20 का 1.5 गुना कर दें तो 30 आ जाएगा और 6 का 1.5 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 मिनट आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20 काम 6 मिनट में तो 2 से काटते 10 काम 3 मिनट में और 10 का 3 गुना 30 हो जाएगा और 3 का 3 गुना 9 आ जाएगा, तब भी आपका आंसर कितना आता, 9 मिनट आता। देख लें आप, ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग था। पिछले वाले क्वेश्चन में जो छिद्र काम कर रहा था वो दोनों समय को जोड़कर काम कर रहा था, पर यहाँ उसने आते ही सबसे पहले छिद्र को बंद किया है, तो छिद्र आपका 6 ही मिनट खुला रह पाया है, तो निकासी नल 6 मिनट ही चलेगा, उसके कारण 4 मिनट ज़्यादा काम करना पड़ गया है। तो 1 मिनट में 5 काम, तो 4 मिनट 20 काम इन्होंने ज़्यादा किया है, ये 20 काम करने में 6 मिनट का समय लगेगा, 30 काम करने में 9 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब बताइए दो नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 20 और 30 मिनट भरते हैं, पहला नल ए है दूसरा बी है, ए जो है टंकी को 20 घंटे में भर रहा है और बी जो है 30 घंटे में भर रहा है, तो 20 और 30 का एलसीएम 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है पहले घंटे ए को दूसरे घंटे बी को खोला जाए, इसी प्रकार बारी बारी से काम करें। ध्यान दीजिएगा, आपने पहले घंटे ए को खोला है, फिर बी को खोला है, फिर ए को खोला है, फिर बी को खोला है, इस तरीके से काम चलेगा तो टंकी कितने मिनट में भरेगी। तो पहले घंटे ए को खोलेंगे, 3 करेगा, या आके 2 कर देगा, फिर ये 3 करेगा, फिर ये 2 करेगा, तो दो नल हैं, 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, 5, अगले 2 घंटे में 5 का, मतलब हर 2 घंटे में 5 काम हो रहा है, हर 2 घंटे में 5 काम हो रहा है, मुझे कितना करवाना है, 60, तो बताइए 5 में किसका गुणा करूँ, 60 आ जाए, 12 का, 12 × 5 = 60, तो 12 गुणा यहाँ भी कर दीजिए, 12 × 24 घंटा, तो 60 काम हो रहा है 24 घंटे में, तो आपका आंसर आ जाएगा 24 आवर्स, पूरा काम कितने घंटे में खत्म हुआ, 24 घंटे में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व किए हैं, सॉरी टाइम इन वर्क में सॉल्व किए हैं।
ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बड़ी आसानी सॉल्व कर सकते हैं आप। ए बी और सी बहुत जल्दी सॉल्व करता हूं मैं। ए जो है 12 घंटे में कर रहा है, बी जो है 15 घंटे में कर रहा है, और सी जो है 20 घंटे में कर रहा है। तो 12 15 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई? 60। तो 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60। ठीक है, अब कह रहा है पहले घंटे ए काम कर रहा है, पहले घंटे ए ने काम किया है, अगले घंटे बी ने किया है, फिर सी ने किया है, फिर ए ने किया है, फिर बी ने किया, फिर सी ने किया, इस तरीके से काम चल रहा है। पहले घंटे ए, दूसरे घंटे बी, तीसरे घंटे सी, इसी प्रकार बारी बारी से काम चल रहा है। तो पहले घंटे ए आएगा, कितना काम करेगा? 5। फिर ये करेगा कितना? 4। फिर ये करेगा 3। फिर ये करेगा 5। फिर ये करेगा 4। फिर ये करेगा 3। इस तरह से काम चल रहा है। तो 3 घंटे में कितना काम हो गया? 12। अगले 3 घंटे में कितना हो गया? 12। मतलब हर 3 घंटे में 12 काम हो गया। हर 3 घंटे में 12 काम हो रहा है, मुझे कितना करना है? 60। 3 घंटे में अगर 12 काम हो रहा है, 60 काम करने में, तो 12 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60। तो यहाँ 5 का गुणा करेंगे, 5 दिया 15 घंटा। 15 घंटे में 60 काम होगा, तो आपका आंसर आ गया 15 आवर्स। बताइए कर पाएंगे आप सभी लोग? आप सभी लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बताइए। पहला नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर रहा है, और दूसरा वाला नल बी जो है वो 15 घंटे में खाली कर रहा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये खाली कर रहा है। पहला वाला नल ए जो है 6 घंटे में भर रहा है, ये 15 घंटे में खाली कर रहा है। तो 6 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 6 पन्ना 30, 15 दूनी 30, दो खाली कर रहा है, माइनस का दो काम। खाली कर रहा है तो माइनस का चिन्ह लगा लीजिएगा। अब कह रहा है पहले घंटे ए काम कर रहा है, अगले घंटे बी, फिर ए काम करेगा, फिर बी करेगा, इस तरह से काम चल रहा है। तो काम कितने घंटे में होगा? तो ए आया होगा, ए ने 5 काम किया होगा, बी ने आके 2 घटा दिया होगा, फिर ए 5 करेगा, फिर ये 2 घटा देगा, इस तरीके से काम चल रहा है। तो आप देखेंगे हर 2 घंटे में कितना काम हो रहा है? हर 2 घंटे में 30 काम हो रहा है। हर 2 घंटे में 30 काम हो रहा है। हर 2 घंटे में 30 काम हो रहा है। हर 2 घंटे में 30 काम हो रहा है। 2 घंटे में अगर 30 काम हो रहा है, सॉरी, हर 2 घंटे में 3 काम हो रहा है भाई। 2 घंटे 5 में से 2 का कितना आ गया? 3। मतलब हर 2 घंटे में 3 काम हो रहा है, मुझे कितना करवाना है? 30। अब यहाँ पे ध्यान दें, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो 90% बच्चे इसका आंसर गलत कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतना तो सब लोग सही करते हैं कि सर आप देख रहे हैं ये ने 5 काम किया, इसने 2 किया, मतलब हर 2 घंटे में 3 काम हो रहा है। हर 2 घंटे में 3 काम हो रहा है। मैं अच्छी तरह लिख देता हूं इसे, हर 2 घंटे में 3 काम हो रहा है। हर 2 घंटे में 3 काम हो रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर हमें 30 काम करवाना है। अब आप लिखे नहीं, अगर हमें 30 काम करना है तो क्या करते हैं? 2 घंटे में 3 काम हो रहा है, तो 30 काम होने में यहाँ पर 10 का गुणा करते हैं और यहाँ भी 10 का गुणा कर देते हैं। तो 2 घंटे में 3 काम होगा, तो 30 काम होने में 20 घंटे का समय लगेगा। आपका आंसर 20 घंटा आ गया। पर ये जो आया है ये आंसर गलत है। जितने विद्यार्थी 20 घंटा निकालते हैं सब आंसर गलत है, और एग्जाम में सबसे पहला ऑप्शन आपको ऐसा ही मिलेगा जो 20 घंटे वाला होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसे वहीं पर टिक करके अपना आंसर निकाल कर चले जाते हैं, जो कि एक गलत हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह सॉल्व ना करें। कौन सा क्वेश्चन आएगा? जिसमें एक नल खाली करने का काम कर रहा होगा। क्योंकि अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे कि सर आपका आंसर 20 घंटा आ गया, तो आप मुझे बताइए, अगर मान लीजिए आपका आंसर 20 घंटा आया है, मतलब 20 घंटे में आपने कितना काम किया है? 30। अच्छा ये बताइए, अगर आपका आंसर 20 घंटा आया है तो ये बताइए 20वें घंटे काम किसने किया होगा? ए ने किया होगा। सॉरी, 20वें घंटे कौन सा नल चला होगा? नल ए चला होगा, नल बी चला होगा। तो आपने देखा ये पहले घंटे चल रहा है, ये दूसरे घंटे, फिर ये तीसरे, फिर ये चौथे। 20वां घंटा एक सम संख्या है, और सम संख्या पर कौन सा नल चल रहा है? बी वाला, दूसरा, चौथा, छठवां। इसका मतलब 20वें घंटे में अगर काम हुआ है तो 20वें घंटे में नल बी ने काम किया होगा। नल बी क्या कर रहा होगा? नल बी ने आगे 2 काम कम कर दिया होगा, तभी तो जाके 30 काम हुआ होगा। तो इसका मतलब 19वें घंटे में आपने कितना काम करवा दिया होगा? 19वें घंटे में आपने 32 काम करवा के रखा होगा।
तो 20 में घंटे में कौन आया होगा, 20 में घंटे में 20 आया होगा, इसने इसमें से दो काम कम किया तब जाके 30 काम आपका हुआ, यही तो प्रोसेस हुआ होगा। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि 20 में घंटे में 30 काम हो रहा है तो 20 में घंटे में 30 काम तो तभी होगा, 20 में घंटे तो बी ने आके काम किया है, बी आगे दो काम कम करता है, इसका मतलब 19वें घंटे में आपने 32 काम करा के रखा होगा, तो इसने आगे दो काम कम कर दिया तो काम 30 रह गया। अब आप बताइए, जब पहले ही आपने 30 से ज़्यादा काम करवा लिया है, तो पहले ज़्यादा काम करवा लिया है फिर आप कम करा रहे हैं, तो ऐसा भाई क्यों करा रहे हैं आप उतना ही कराइए ना, आप पहले काम ज़्यादा करवा रहे हैं फिर माइनस करवा रहे हैं, तो आप गलत चीज़ करवा रहे हैं, पहले चीज़ बनवाई फिर आपने तोड़वा दी, ऐसा गलत कर दिया। तो इसका आंसर जो भी आंसर आएगा वो 19 घंटे से कम आएगा, क्योंकि 19वें घंटे में 32 काम हो गया है, तो 20वें घंटे में आके दो माइनस होगा 30 काम होगा, तो गलत हो गया, पहले ज़्यादा काम करवाया फिर कम कराया। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आ रहा है तो आप सबसे पहले करेंगे क्या, ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात, आप डायरेक्टली क्या करिएगा, 30 काम मत कराइएगा भाई, आपको दो घंटे में तीन काम हो रहा है, आपको 30 काम करवाना था, आप डायरेक्टली 30 काम मत करवाइए, क्योंकि डायरेक्टली 30 काम करवाएंगे तो आखिरी में वो नल काम करेगा जो टंकी को खाली कर रहा है, और जो टल टंकी को खाली कर रहा है उससे मुझे आखिरी में काम नहीं करवाना, क्योंकि अगर वो आखिरी में काम करेगा तो उससे पहले मुझे ज़्यादा काम करवा के रखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली 30 काम ना करवाएं तो आप पहले क्या करें, जितना काम हो रहा है, एक कितना काम करता है 5, जितना काम हो रहा है पहले 30 में से वो काम माइनस करें, तो आप देखेंगे कितना काम हो रहा है आपका, 25 काम आपका हो रहा है, कितना काम हो रहा है 25 काम हो रहा है, तो पहले आप क्या करें 30 में से वो काम माइनस कर दें जो हो रहा है, तो 30 में से 5 काम हो रहा है तो 25 काम, पहले आप क्या करें 25 काम करवाएं, या 25 के नज़दीक कोई भी नंबर ऐसा हो जो वो काम करवा लें, तो बताइए 3 से कटने वाला नंबर 25 के नज़दीक क्या होगा, तो आप कहेंगे 25 के नज़दीक तो 24 होगा, 27 होगा, तो आप क्या करें 27 कर लें, तो आप देखिए 27 बना लें कितने, 9 का 9 तो 27, 9 दुनी 18, मतलब 18 घंटे में 27 काम हो गए, 18 घंटे में 27 काम हो गया है। ठीक है, अब देखिए 18 घंटे में अगर 27 काम हो गया है, मुझे करना है कितना काम, 30 काम, आप देखिए 25 के नज़दीक या तो 24 भी करा ले तब भी हो जाता और 27 भी हो गया, इससे भी हो जाएगा, तो 27 बनाने के लिए 9 का गुणा किया, 9 तीस 27, 9 दुनी 18 आ गया, तो 18 घंटे में 27 काम हो चुका है, अब इसका कौन सा घंटा आएगा, 19वां घंटे काम कौन करेगा, ए या बी, तो आपको पता है पहला तीसरा पांचवें घंटे ए काम कर रहा है, ए विषम घंटे पे काम कर रहा है, 19 एक विषम है, तो आप देखेंगे 19वें घंटे ए काम करेगा, पर ए घंटे में कितना काम करता है 5, और मेरा काम कितना बचा हुआ है 3, तो आप देखिए ए एक घंटे में 5 पानी भर लेता है, पर मुझे 5 नहीं 3 ही पानी भरवाना है, तो एक घंटे में 5 पानी भरेगा, 3 पानी भरने में कितना समय लगेगा, 3/5 घंटा, तो आगे वाला 3 पानी भरवाने में 3/5 घंटे का समय और लगा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 सही 3/5 घंटा, तो आप देखिए पूरा पानी भरने में 18 सही 3/5 घंटा आपका आंसर आएगा, ना कि 20 घंटा आएगा, ये इसका सही आंसर है। बहुत सारे लोग इसे गलत कर देते हैं जल्दबाजी में, तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाएं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसे समझ लीजिए, नल ए एक टंकी को 6 घंटे में, पहला वाला नल जो है 6 घंटे में टंकी भर रहा है, दूसरा वाला नल जो बी है वो 10 घंटे में खाली कर रहा है तो माइनस का काम कर रहा है, समझ लीजिएगा सेम क्वेश्चन है, 6 और 10 से कटने वाला नंबर कितना आ जाएगा 30, तो 6 पन्ना 30 और 10 तीया 30, ये 3 काम करेगा, तो पहले घंटे ए काम करेगा, अगले घंटे बी, फिर ए काम करेगा फिर बी, इस तरीके से काम चल रहा है, तो कितने घंटे में टंकी भरी जाएगी, तो ए ने आगे 5 काम किया है, बी ने आगे 3 घटा दिया है, फिर ए ने 5 किया, फिर बी ने 3 घटा दिया, तो आप देखिए दो नल हैं, दो घंटे में कितना काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर दो घंटे में कितना हो रहा है, 5 में से 3 गया, 2 काम हो रहा है, अगले दो घंटे में भी 2 काम हो रहा है, हर दो घंटे में 2 काम हो रहा है, और मुझे कितना काम करवाना है 30, तो आप मैंने बताया था कि जब कभी खाली करने वाले की बात होगी तो डायरेक्टली 30 काम ना करवाएं, पहले 30 में से क्या करें, इस 5 को माइनस कर दें, 30 में से इस 5 को जो काम हो रहा है उसे माइनस कर दें, तो बचा कितना 25, तो पहले 25 के नज़दीक कोई काम करवा लें, तो 2 से कटने वाला नंबर 25 के नज़दीक क्या होगा 26, तो 13 दूनी 26, 13 गुणा कर लें और 13 गुणा यहाँ कर लें, 26 घंटा में 26 काम हो गया है, 26 घंटे में 26 काम आपका हो गया है,
अभी आपका कितना काम बाकी है, 30 में 26 हो गया है, चार काम अभी आपका बाकी है, चार काम अभी बाकी है, 26 घंटा हो चुका है। इसका अगला घंटा कौन सा आएगा, 27वां, और 27 में क्या है, एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, और ऑड घंटे पे कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, तो 27वें घंटे ए काम करेगा, और ए जो है एक घंटे में कितना पानी भरता है, 5। 27वें घंटे ए काम करेगा, ए जो है एक घंटे में कितना पानी भरता है, 5, और मुझे कितना भरवाना है, 4, मतलब ए को पूरा घंटा नहीं लगेगा, तो ए जो है एक घंटे में 5 पानी भरेगा, तो चार पानी भरने में चार बटा पाँच घंटे का समय लगेगा, तो आगे वाला चार पानी भरने में चार बटा पाँच घंटे का समय और लगा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 26 सही 4/5 घंटा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, देख ले 26 सही 4/5 घंटा, सब लोग चेक कर ले। ठीक है, चलिए इसके बाद ये सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का आप इसे खुद सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिएगा, इस क्वेश्चन को सेम उसी तरह क्वेश्चन है, पहले घंटे ए दूसरे घंटे बी, बारी बारी से काम चला है, पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये 3 वाला क्वेश्चन इसे देख लीजिए, 3 नल ए बी सी, पहला वाला जो नल है वो टंकी को 20 मिनट में भर रहा है, और जो दूसरा वाला नल है वो टंकी को 30 मिनट में भर रहा है, और जो अगला वाला नल है वो टंकी को 15 मिनट में भर रहा है खाली कर रहा है, सी वाला जो नल है वो टंकी को खाली कर रहा है, तो माइनस का काम कर रहा है। चलिए इनका एलसीएम लेके एक मिनट का काम निकालिए, 20, 30 और 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा, तो 20, 30, 60, 15, 4, 60 ये खाली कर रहा है, तो माइनस का काम होगा, इतना तो आप सभी जान गए हैं। तो पहले मिनट ए ने काम किया है, फिर बी ने, फिर सी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर सी ने, इस तरीके से काम हुआ है। ए जो है 3 काम करेगा, बी जो है 2 काम करेगा, ये 4 काम माइनस कर देगा, फिर ये 3 करेगा, फिर ये 2 करेगा, फिर ये 4 काम माइनस कर देगा। तो आप मेरे भाई देखेंगे 3 मिनट में कितना काम हुआ है, 3 और 2 5, 5 में 4 गया 1, अगले 3 मिनट में कितना काम हुआ, 1, मतलब हर 3 मिनट में 1 काम हो रहा है, हर 3 मिनट में 1 काम हो रहा है, तो मुझे कितना करवाना है, मुझे 60 करवाना है, तो आप डायरेक्टली 60 मत करवाइए, क्योंकि यहाँ पे एक नल ऐसा है जो टंकी को खाली कर रहा है, और जब ऐसा कोई नल आ जाता है जो टंकी को खाली कर रहा है, तो डायरेक्टली पूरा काम ना करवाएं, तो क्या करें, जितना काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, 3 और 2 5, पहले इसमें से 5 माइनस करें, 60 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना काम बचा, 55, तो पहले 55 कराएं या 55 के नज़दीक का कोई नंबर कराएं, तो आप देखिए 1 में 55 का गुणा करेंगे तो 55 आ जाएगा, और यहाँ 55 का गुणा करेंगे तो 55 दिया 165 मिनट, मतलब 165 मिनट में आपका 55 काम हो चुका है, 165 मिनट में आपका 55 काम हो चुका है, अभी कितना बाकी है, 60 में से 55 हो चुका है, अभी 5 काम करना बाकी है। चलिए ठीक है, अब 165 मिनट के बाद अगली मिनट आएगी, तो कौन से स्टार्ट होगी, अगली मिनट कौन आएगा, ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3-3 के पेयर हैं, तो 165 3 से पूरा कट जाता है, तो जब अगली मिनट आएगी तो कौन स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, तो आप देखिए अगली मिनट में ए आएगा, अगली मिनट में ए आएगा, तो ए कितना पानी भर लेगा, 3 पानी ए आगे और भर देगा, तो कितना हो गया, 5 में से 3 निकल गया, अभी कितना पानी बचा, अभी 2 पानी और बचा हुआ है आपका। फिर अगली मिनट आएगी तो अगली मिनट में कौन आएगा, बी आएगा, तो बी आगे 2 काम कर देगा, अगली मिनट बी ने आगे 2 काम कर दिया, काम खत्म, अगली मिनट में 2 आके काम खत्म हो गया 55 और 3 58 और 2 60 काम खत्म, समय लगा है 65 66 67, तो आपका आंसर आ जाएगा 167 मिनट, 167 मिनट आ गया आपका। ठीक है, कर पाएंगे, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, किसी टैंक में 8 नल लगे हैं, कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं, ठीक है, प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में भर देता है, ये लाइन पढ़ लीजिएगा, प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में भर रहा है, प्रत्येक खाली करने वाला नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर रहा है, अगर सभी नल एक साथ खोल दिए, टंकी 3 घंटे में भर जाती है, भरने वाले नलों की संख्या क्या है, देखिए एक टंकी में 8 नल लगे हुए हैं, जिसमें कुछ भरने वाले हैं, तो मैं मान लेता हूं भरने वाले नल हमारे x हैं, तो खाली करने वाले नल कितने आ गए, 8 - x, ये आपके भरने वाले नल आ गए हैं,
ये आपके खाली करने वाला नल आ गया। ठीक है, फिर टंकी में टोटल आठ नल हैं, आठ में से मान लीजिए भरने वाले एक्स नल हैं तो बचे कितने, आठ में से एक्स चला गया तो खाली करने वाले एट माइनस एक्स बचे हैं। अगर प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में भर देता है, प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में, प्रत्येक की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रत्येक भरने वाला जो नल है टंकी को 12 घंटे में भर देता है, और प्रत्येक खाली करने वाला जो नल है, प्रत्येक मतलब एक नल की बात हो रही, खाली करने वाला माइनस की बात, तो टंकी को 36 घंटे में खाली कर देता है, और सभी नल, सभी सभी मतलब भरने वाले प्लस खाली करने वाले सभी नल अगर खोल दिए जाएं तो क्या हो रहा है, सभी नल अगर खोल दिए जाएंगे तो टंकी क्या हो रही है, तीन घंटे में भर जाती है, टंकी तीन घंटे में भर जाती है, सभी नल आपने खोल दिए, टंकी तीन घंटे में आपकी भर गई। ठीक है, तो आप देखेंगे, आप पहले इनका एलसीएम ले लीजिए, 12 36 और 3 का एलसीएम कितना है 36, आपने काम मान लिया, माना कि टंकी में 36 काम है, तो एक भरने वाला नल 12 घंटे में 36 पानी भरेगा, तो एक घंटे में 12 थी 36, 36 एकम 36, एक काम खाली करेगा, तीन से भाग देंगे तो 12 आ गया। ठीक है, अब देखिए भरने वाला जो एक नल है ना, वो एक घंटे में तीन पानी भरता है, ध्यान दीजिएगा, भरने वाला जो एक नल है वो एक घंटे में तीन पानी भरता है, तो अगर भरने वाला एक नल एक घंटे में तीन पानी भरेगा तो भरने वाले कितने नल है एक्स, तो एक नल अगर एक घंटे में तीन पानी भरेगा तो एक्स नल कितना पानी भरेंगे, तीन गुणे एक्स, थ्री एक्स पानी आपका एक घंटे में भरा गया। खाली करने वाला जो एक नल है ना, वो एक घंटे में एक पानी खाली कर रहा है, और खाली करने वाले कितने नल है, एट माइनस एक्स, तो एक का गुणा इसमें होगा तो माइनस एट माइनस एक्स इंटू वन, वन का गुणा करें कोई मतलब नहीं, वन का गुणा इसमें करें कोई मतलब नहीं, माइनस का गुणा करें, भाई भरने वाले नल जो है इतना पानी भर रहे हैं और खाली करने वाले नल जो है इतना पानी खाली कर रहे हैं, एक नल इतना पानी खाली करेगा तो इतना, इसका गुणा इसमें करेंगे इतना आ जाएगा, तो भरने वाले नलों ने टोटल इतना पानी भरा है, खाली करने वाले नलों ने इतना पानी खाली किया, तो ओवरऑल आप देख रहे हैं सभी नल जब मिल गए हैं भरने वाले और खाली करने वाले, तो एक घंटे में कितना काम हो रहा है 12, तो यहाँ इतना काम हुआ, यहाँ इतना काम माइनस हो गया, तो ओवरऑल काम देखेंगे कितने के बराबर हुआ होगा आपका 12 के बराबर, तो सॉल्व कर लीजिए, 3x माइनस 8 माइनस और माइनस प्लस का x बराबर 12, तो आप देखेंगे 3x और x कितना आ जाएगा 4x, और देखेंगे 8 इधर जाएगा 12 और 8 20, x की वैल्यू 5 आ गई है, और x आपने क्या माना था भरने वाले नल, तो भरने वाले नल आपके 5 आ गए हैं, तो भरने वाले नलों की संख्या 5 आ गई, तो आपका आंसर आ जाएगा 5, ये आपका आंसर है, लिख सकते हैं। आपने एक भरने वाला नल एक मिनट में एक घंटे में तीन काम करेगा तो x कितना काम करेंगे 3x, एक खाली करने वाला नल माइनस एक काम करेगा तो यहाँ 8 माइनस एक्स से माइनस वन, 8 माइनस एक्स, इतना पानी भरा गया इतना खाली किया है, ओवरऑल देख रहे हैं कितना काम हुआ 12, तो सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 5 आ जाएगी, बताइए कर पाएंगे सभी लोग, अगले क्वेश्चन पे आ जाए, सेम क्वेश्चन है सेम तरीके सॉल्व कर लीजिए, एक टंकी में 12 नल लगे हैं, देखिए 12 नल लगे हैं टंकी में, जिसमें मान लेता हूँ भरने वाले x नल हैं तो खाली करने वाले कितने होंगे 12 माइनस एक्स, ये आपके भरने वाले आ गए और ये आपके खाली करने वाले आ गए, ठीक है, खाली करने वाले आ गए, कह रहा है प्रत्येक भरने वाला जो नल है टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, प्रत्येक भरने वाला नल, प्रत्येक भरने वाला जो नल है टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ये 6 घंटे में भर देगा, और प्रत्येक खाली करने वाला जो नल है वो क्या कर रहा है टंकी को 12 घंटे में खाली कर देगा, खाली कर देगा तो कैसा काम कर देगा माइनस का, और सभी नल, सभी भरने वाले प्लस खाली करने वाले सभी अगर खोल दिए जाए तो टंकी जो है 4 घंटे में भर जाती है, टंकी जो है 4 घंटे में भर जाती है, तो ध्यान दें 6 12 और 4 से एलसीएम कितना आ जाएगा 12 ही आ जाएगा, माना कि टंकी के अंदर 12 काम है, तो 6 घंटे में 12 काम, तो 1 घंटे में 2 काम, 12 कम 12 ये माइनस का होगा 4 3 12, तो आप देखेंगे सर भरने वाला जो एक नल है ना, भरने वाला जो एक नल है वो एक घंटे में दो पानी भरता है, और भरने वाले कितने एक्स, तो एक नल अगर दो भरेगा तो एक्स नल दो इंटू एक्स टू एक्स, इतना पानी तो भर दिया आपका, खाली करने वाला एक नल जो है एक पानी खाली करेगा तो इतने नल कितना खाली करेंगे, एक का गुणा करेंगे तो माइनस तो आ गया,
एक का गुणा जब इसमें करेंगे तो 12 माइनस एक्स ही आएगा। भरने वाले नलों ने इतना पानी भरा है, खाली करने वाले ने इतना पानी खाली किया है, और देखेंगे ये सभी मिलकर एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं, तीन। तो ये पानी काम कितने के बराबर होगा, तीन के बराबर। 2x माइनस 12 माइनस माइनस प्लस का x, 2x तो 3x, 12 इधर आ जाएगा, 12 3 15 x बराबर 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया तो भरने वाले नल कितने हो गए, 5। आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, कर पाएंगे? चलिए, ये सेम क्वेश्चन है, उसी तरह सॉल्व करिए जैसे भी हमने सॉल्व किया है। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा भी हमने सॉल्व किया, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। पहले हम जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर पहले मुझे बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बाकी बाद हम पीछे के क्वेश्चन जाएंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए किसी टंकी को भरने में नल ए प्लस बी के द्वारा लिए जाने वाले समय से 3 मिनट ज़्यादा समय लेता है। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी मिलकर जितना समय लगा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ए प्लस बी मिलकर जितना समय लगा रहे हैं, मान लीजिए टी समय लगा रहे हैं, तो ए क्या कर रहा है, इससे 3 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है, टी प्लस 3 लगा रहा है। ए प्लस बी मिलकर जितना समय लगा रहे हैं, इससे 3 मिनट ज़्यादा समय ए ने लगाया है। कि भाई ए किसी टंकी को भरने में नल ए प्लस बी द्वारा लिए जाने वाले समय से 3 मिनट ज़्यादा समय लगाता है, तो इससे 3 मिनट ज़्यादा समय लगाया, टी प्लस 3 लगाएगा। और बी उसी टंकी को भरने में ए प्लस बी द्वारा लिए जाने वाले समय से 21 से 1 बटा 3 मिनट ज़्यादा लगाता है। तो बी जो कितना ज़्यादा लगा रहा है, बी लगा रहा है इस टी से 21 से 1 बटा 3 मिनट ज़्यादा लगा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है ए प्लस बी मिलकर इस टंकी को कितने मिनट में भरेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, और आप बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको जब समय और कार्य पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा, जब अगर आपको समय और कार्य की क्लास याद हो, तो मैंने बोला था कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ए का जो समय है वो ए प्लस बी के समय से कुछ ज़्यादा है, बी का जो समय है वो ए प्लस बी के समय से कुछ ज़्यादा है, तो ए प्लस बी का समय मतलब टी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको टाइम एंड वर्क याद हो, तो मैंने दो एग्जाम्पल कराए थे, क्या करते हैं, जितना समय ए का ज़्यादा है और जितना समय बी का ज़्यादा है, 21 से 63 और 64, जितना समय बी का ज़्यादा है दोनों का गुणा करके हम क्या ले लेते हैं, वर्गमूल। जितना समय ए का ज़्यादा है जितना समय बी का ज़्यादा है गुणा करके वर्गमूल, 3 से 3 कट जाएगा, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 8 मिनट। ये आपका आंसर है, सीधा सीधा इसका आंसर निकलता है कि जितना समय ए का ज़्यादा था उतना समय बी का ज़्यादा, दोनों के समय का गुणा करके वर्गमूल ले लेंगे तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी, 8 मिनट। अगर ए की वैल्यू पूछेगा तो कितना आ जाएगा, टी की जगह 8, 8 और 3, 11 मिनट। ठीक है, अगर बी की वैल्यू पूछेगा तो यहाँ पे 8 रखेंगे, 8 और ये जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 8 और 21 कितना हो जाएगा, 29 सही 1 बटा 3 मिनट। ठीक है, कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नल एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, एक नल का नाम मैं ए मान लेता हूँ जो टंकी को 4 घंटे में भर देता है। ठीक है, कह रहा है पर टंकी में अगर छिद्र हो जाए तो वही टंकी भरने में 4.5 घंटे का समय लगता है। मतलब नल ए तो भरने का काम करे, एक छिद्र आ जाए और छिद्र को नाम मैं बी दे देता हूँ, छिद्र को मैं एक नल का नाम दे देता हूँ बी, और छिद्र क्या काम करेगा, छिद्र जो है टंकी को खाली करने का काम करेगा, छिद्र जो है टंकी में से पानी बाहर निकालता है। तो ए तो भरने का काम करे और बी खाली करने का काम करे, ए भरने का काम करे और बी खाली करने का काम करे, तो यही टंकी 4.5 घंटे में भर जाती है। मतलब 4.5 घंटे का मतलब 4 × 8 और 1 9/2 घंटे में भर जाती है। मैंने छिद्र को क्या दे दिया, छिद्र को एक नल का नाम दे दिया बी। अगर ए अकेला भरेगा तो 4 घंटे में भर लेगा, पर ए के साथ अगर छिद्र काम करे, छिद्र का नाम मैंने बी दिया है, छिद्र क्या करेगा, टंकी से पानी बाहर निकालेगा, तो ए भरे और बी खाली करे तो टंकी भरने में 4.5 घंटे का समय लगा रहा है, तो छिद्र अकेला टंकी को खाली करने में कितना समय लगाएगा। चलिए तो आप देखेंगे, पहले वर्क एज्यूम करें, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है, 9 और 4 से कटने वाला नंबर, 9 × 4 = 36। आप एज्यूम कर लें, माना टंकी के अंदर कितना काम है, 36 काम है। ठीक है, अब आप देखेंगे ए जो है 4 घंटे में 36 काम करेगा, तो 1 घंटे में 4 का भाग 36 में देंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9 आ जाएगा। अब ए माइनस बी 9/2 घंटे में 36 काम करेगा, तो 1 घंटे में 36 में आप 9/2 का भाग देंगे, 9 × 36 और 4 × 8, तो यहाँ कितना आ गया भाई, 8 आ गया। ठीक है,
यहां देख रहे हैं एक घंटे में 9 काम हो रहा है, यहां देख रहे हैं 8 काम हो रहा है। तो आप देखिए जब ए अकेला काम कर रहा है तो एक घंटे में 9 पानी भर लेता है, जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक घंटे में 8 पानी भरा जा रहा है। कितने पानी की कमी आई है? एक पानी की कमी आई है। क्यों? क्योंकि एक पानी छिद्र ने कम कर दिया होगा। इसका मतलब छिद्र जो है एक घंटे में एक पानी कम करेगा तो 36 पानी कम करने में, एक घंटे में एक पानी कम करेगा 36 पानी कम करने में 36 घंटे का समय लगाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 36 आवर्स। बताइए 36 आवर्स समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएं मुझे। 36 आवर्स आपका आंसर आना चाहिए। ये आपका अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे। एक नल एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। एक नल ए है, ये टंकी को 9 घंटे में भर रहा है, ठीक है, लेकिन छिद्र होने के कारण, मतलब ए तो भरने का काम करे, एक छिद्र इसका नाम है बी मान लेता हूं, ये खाली करे तो टंकी जो है 9 दुनी 18 और एक 19/2 घंटे में भर पाती है, ठीक है। अगर ए अकेला भरेगा तो 9 घंटे में टंकी भर लेगा, पर इसके साथ अगर छिद्र भी काम करे, छिद्र क्या काम करता है? टंकी को खाली करने का, ये भी काम करेगा, तो ए के साथ भी, तो आपका 18 19/2 घंटे में समय लगेगा। तो आप देखिए 9 इनका एलसीएम लीजिए, 9 का और 19 का एलसीएम कितना आएगा? 19 और 9 का एलसीएम 171, आपका काम आ गया 171। तो 9 घंटे में अगर 171 काम होगा तो 9 का भाग इसमें देंगे तो 19 बार जाएगा, तो इसका भाग देंगे 171 अपॉन 19/2, 9 और 2 का गुणा 9 हो जाएगा 18 आ गया, ठीक है। अब आप देखेंगे जब ए अकेला काम कर रहा है, सर जब ए अकेला काम कर रहा है तो 19 काम कर रहा है, जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 18 काम हो रहा है, तो काम में कितनी कमी आई है? एक की। इसका मतलब छिद्र ने एक घंटे में एक काम कम किया होगा, एक घंटे में एक काम कम करेगा तो 171 काम कम करने में 171 घंटे का समय लगाएगा, तो छिद्र जो 171 घंटे में टंकी को खाली कर देगा, 171 आवर्स में खाली कर देगा। बताइए कर पाएंगे? अरे मुझे बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जल्दी से कमेंट करके। चलिए ये क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ा था उसे भी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन, तीन नलों का व्यास क्रम से 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, इन नलों से पानी इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती बह रहा है। ध्यान दीजिएगा, नलों से पानी की मात्रा, इन नलों से जो पानी बह रहा है, पानी की जो मात्रा है, ये किसके समानुपाती है? इनके व्यास के वर्ग, व्यास मतलब डायामीटर का वर्ग कर देंगे, इसके समानुपाती है। इन नलों से जो पानी निकल रहा है, जो क्वांटिटी निकल रही है, वो व्यास के वर्ग के समानुपाती है। जबकि सबसे बड़ा नल इस टंकी को 26 मिनट में भर देता है, तो तीनों नल मिलकर इस टंकी को कितने समय में भरेंगे? तो चलिए आपको पता है जो मात्रा है व्यास के वर्ग के समानुपाती है, तो तीन नल एबीसी हैं, इनकी मात्रा का अगर अनुपात निकालें, मात्रा का जो अनुपात होगा वो किसके अनुपात के बराबर होगा? व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो मात्रा का अगर देखिए, मात्रा जो है व्यास के वर्ग के समानुपाती, इसका मात्रा का जो अनुपात होगा व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो व्यास कितना है पहले का? एक, तो एक का वर्ग कितना हो जाएगा? एक। दूसरे का व्यास कितना है? तीन, तो तीन का वर्ग कितना हो जाएगा? नौ। चार, चार का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। ये इनकी मात्रा का अनुपात है कि पहला वाला नल जो है एक मिनट में एक पानी भर पाता है, दूसरा वाला जो नल है एक मिनट में 9 पानी भर पाता है, और तीसरा वाला नल जो है एक मिनट में 16 पानी भर पाता है। अब कह रहा है सबसे बड़ा नल, सबसे बड़ा नल कौन सा होगा? सबसे बड़ा नल वो होगा जिसका व्यास सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा व्यास किसका है? इस 4 सेंटीमीटर कौन से वाले नल का? तीसरे वाले नल का। तो सबसे बड़ा नल टंकी को 26 मिनट में भर देता है, और सबसे बड़ा नल एक मिनट में कितना पानी भर रहा है? 16। सबसे बड़ा नल एक मिनट में 16 पानी भर रहा है, और पूरी टंकी को 26 मिनट में, बोलो पूरी टंकी में कितना पानी होगा? टोटल काम कितना है? तो टोटल काम निकालेंगे तो सबसे बड़ा नल एक मिनट में 16 काम कर रहा है, और पूरी टंकी को 26 मिनट भर रहा है, तो 16 × 26 ये है आपका पूरा काम। अब इस काम को तीनों नल मिलकर कितने समय भरेंगे? तो तीनों नल एक मिनट में कितना काम कर रहे हैं? 9 और 1 10 और 16 26। तो आप देखिए तीनों नल अगर आपके मिल जाते हैं तो एक मिनट में काम कर रहे हैं 26, तो 16 × 26 काम करने में 26 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 मिनट। ये आपका आंसर है, लिख लेंगे आप, ठीक है।
कर पाएंगे, ये आपका आंसर आ गया 16 मिनट। बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आपने कर लिया। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सेम इसका अगला टाइप है। 3 नलों का व्यास 1 सेंटीमीटर, 1 से 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ा नल इस टंकी को 30.5 मिनट में भर देता है। 3 नल मिलकर इस टंकी को कितने मिनट में भरेंगे यदि नलों से पानी इनके व्यास के वर्ग के समान पाती है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इनके व्यास का अनुपात निकाल लें सबसे पहले, क्योंकि व्यास का वर्ग कर देंगे तो मात्रा का अनुपात आ जाएगा। तो व्यास क्या क्या है, व्यास पहले का व्यास 1 है और दूसरे कितना है, 3 × 1 = 4/3 है, और अगले कितना है इसका, 2। तो पहले से सॉल्व कर लें, अनुपात ये फ्रैक्शन में है तो नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 3, तो 3 का गुणा कर दें तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ 3 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ 3 × 3 = 6 भाई, 3 का गुणा किया 3 आ गए, 3 से 3 कट गए 6 आ गए, व्यास आ गए। अगर आप मात्रा का अनुपात निकालेंगे तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36 आ गया। ठीक है, ये व्यास का मात्रा का अनुपात आ गया है। तो कह रहा है सबसे बड़ा नल, सबसे बड़ा नल कौन सा होगा जिसका व्यास ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा व्यास ये दिख रहा है, ये सबसे बड़ा नल है। सबसे बड़ा नल टंकी को 30.5 मिनट में भर देता है, और सबसे बड़ा नल जो है 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 36। तो पूरा काम कितना होगा, टोटल वर्क 1 मिनट में 36 काम करेगा, तो 30.5 मिनट में 36 × 30, ये आपका आ गया टोटल वर्क। अब इस काम को, अब जो काम इसने किया, अब इस काम को अगर तीनों मिलकर करें तो कितना समय लगाएंगे, तो तीनों मिलकर करेंगे तो 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं, 16 और 9 = 25 = 36 काम कर रहे हैं 1 मिनट में। इतना काम करने में 61 का भाग दे दीजिए, 2 बार कट जाएगा, और 2 से 16 कट जाएगा 18 बार, 18 मिनट का समय लगेगा। आप देख ले 18 मिनट, आप काम 30.5 मिनट लिख लीजिएगा यहाँ पे, 18 मिनट आपका आंसर आना चाहिए। बताइए कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को हो तो बताइए मुझे, क्लियर है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार तरीके से आपने कर लिया है। तो ये था आपका नल और टंकी, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं नल और टंकी में, तो आपने सॉल्व कर लिए। अब आप इसके क्या करेंगे, डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस लगाइएगा, जिससे कि आपको नल और टंकी के अंदर कोई भी समस्या नहीं आएगी। और वो लगाने से पहले जो क्लास में कराया गया, पहले वो लगाइएगा, जब वो समझ में आ जाए तब आप आगे की बातें करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करेंगे अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।